अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हिस्सा थे तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी कांस्टेबल के पदों के लिए, जो करीब 70,000 पदों के लिए थी, जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, अब उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि इसके लिए प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके इस बात को बताया है, जानकारी दी है और कहा है कि जो परीक्षा है जो 17-18 फरवरी को हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है और आने वाले 6 महीनों में इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आपने भी ये एग्जाम दिया था, आप इस एग्जाम का हिस्सा थे, तो अभी जाइए वेबसाइट पर जाकर प्रेस विज्ञप्ति पढ़ लीजिए और साथ ही आप ट्वीट भी चेक कर सकते हैं। ट्वीट आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी ट्वीट को पढ़ सकते हैं। आपको बता देते हैं कि इस बार यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के जरिए करीब 70,000 पदों को भरा जाना था और ये एग्जाम 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया गया था। आपको ये भी बता देते हैं कि सिर्फ 10 या 12 लाख उम्मीदवार नहीं, बल्कि करीब 50 लाख उम्मीदवारों ने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था और 48 लाख उम्मीदवार एग्जाम देने पहुंचे भी थे। जब एग्जाम हुआ था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एग्जाम हॉल में पेपर पहुंचने से पहले ही व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया गया था। हालांकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है वो हमेशा ही इन सभी दावों को खारिज करता रहा है, लेकिन अब फाइनली इस पर जांच हुई है और ये फैसला लिया गया है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और आने वाले 6 महीनों में इस पर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि पुलिस ने इससे पहले भी कई सारे सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया है और पहले से ही ये खबरें चल रही थी, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, बहुत सारे ट्वीट्स पोस्ट वायरल हो रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है इसे रद्द किया जाएगा। अब फाइनली सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और बताया है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो फैसला आया है वो उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है जिसमें कई सारे पहलुओं पर जांच की गई, बारीकी से सारी चीजों को समझा गया और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो अगर आपने इस एग्जाम को दिया था, आप इसमें शामिल थे, तो अभी जाकर ट्वीट चेक कर लीजिए, अभी जाकर आप प्रेस रिलीज चेक कर सकते हैं। इससे जुड़ा जैसे ही और कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ऐसे अपडेट्स और चाहिए, ऐसे खबरें और आपको जाननी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।